हेलो फ्रेंड्स, टैग गुरु कंस्ट्रक्शन गोयल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हम लोग की फील्ड लैब है। आज मैं आपको WMM का ग्रेडेशन टेस्ट जो है WMM का वो करके दिखा रहा हूँ। मेरा वीडियो देखते रहिए। ये PWD की ग्रेडेशन रिपोर्ट है जिसमें से डिज़ाइन किया गया है। इसके हिसाब से हमारा डिज़ाइन कैसा आता है वो हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये सीव्स लिए हमने 53 mm की, 45 mm की, 22.6 की, 11.2 की और 4.5 mm की। तो अब हम सैंपल वेट कर लेते हैं। ये इसमें हम लोग 4 kg का सैंपल ले रहे हैं। ये फील्ड से लाया गया WMM का सैंपल है। थोड़ा गिट्टी निकाला, बारीक छोटा वाला निकाल लो, एक डस्ट निकालो ना। हाँ चल ठीक। 4 kg हमने सैंपल लिया है, इसको आप सीव में डालेंगे, हिलाओ। ये देखिए 53 mm 100% पासिंग हो गई। होगा, निकालो उसको, देखो। ये 45 में जो रिटेन हुआ है वो 113 ग्राम, इसको हम नोट कर लेते हैं। ये 45 mm में जो रिटेन हुआ है उसका वजन कर लेते हैं। इसका वेट आया है 1355 ग्राम। 1355 ग्राम लिख लो, फिर हिलाओ इसको। ये 11.12 में कितना रिटेन हुआ है इसको लिख लेते हैं। बस बस हो गया हो गया, इसको वजन करो। ग्राम 11.12 में रिटेन करो। हाँ, ये 4.75 की स्पीड में जो रिटेन हुआ है उसका वजन देख लेते हैं। ग्राम लिख लो फ्रेंड्स। ये फाइंस बचा है, इसको अब हम ब्रॉथ के सीव में करेंगे। तो इसके लिए हम सीव ले लेते हैं 2.36 की और 0.6 की। तो ये 3 ब्रॉथ की सीव हमने ली है, 2.36, 0.6 और 0.075। इसमें हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके छाना उसको। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों हम छानते हैं। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ जब तक। दोस्तों, ये छान के निकाला हुआ है, लेकिन निकाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा छान के अलग अलग। 2.36 के मैं रिटेन कर रहा है जो, उसको हम अलग करेंगे। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन और रिपोर्ट दिखाऊंगा। एक्चुअल में 3 बार करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बार में दिखाऊंगा इसको। एक सैंपल आते हैं, उसके 3 टेस्ट करते हैं। बस हो गया हो गया। चलो इसका वजन करो। उसको मत छान अमित, इसके बाद मत छान, उसको डायरेक्ट वजन कर ले और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना, है ना। दोस्तों,
मटेरियल थोड़ा गीला है तो इसके बाद की जो सीव है उसमें चलना थोड़ा मुश्किल है 0.6 में, तो हम उसको डायरेक्ट वेट करेंगे। इतना छानने के बाद भी इसमें जो 0.7075 की सीव है उसमें माल नहीं आया है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट वेट कर रहे हैं। इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 790 ग्राम इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो दोस्तों इसका रिज़ल्ट आप आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं। तो 53 mm में जो है, अब यहाँ पे देखिए 53 mm में 100% पासिंग है, कोई रिटेनिंग नहीं है। यहाँ पे 0.0 आ गया है, 45 में 113 ग्राम आया था, तो रिटेन जो है 2.82% है। तो टोटल जो है इसका रिजल्ट आ रहा है 97.18। आप 22 में 1355 ग्राम है, 33.87 आ रहा है। जितना भी वजन आ रहा है दोस्तों उसको हम लोग 4000, जो 4 किलो वेट लिए हैं 4000 से डिवाइड करते जाते हैं, तो ये परसेंटेज आते जाता है। इसका देखिए कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ मैं, 390 डिवाइडेड बाई 4000। पॉइंट सिक्स एम एम की सीव में जो पासिंग आई है, रिटेन आया है, ये पासिंग है, ये सॉरी रिटेन है, ये पासिंग आएगी, डिवाइडेड बाई 2 किया तो इसलिए सेम आएगी। अच्छा, ये 100 से माइनस कर दिया गया है इसको, सो करो ना 390 डिवाइडेड बाई 4000। फील्ड में बहुत परेशानी रहती है दोस्तों, क्राउड भी बहुत रहता है। अब ये देखिए इसको हम मिलाते हैं इससे, इसका जो रिज़ल्ट आया है उससे, तो इसका जो एवरेज आया है देखिए 100 और इसमें 53 और 45 mm में जो है वो रिज़ल्ट आया है 100% का, और हमारा आया है 97 का, क्योंकि 113 ग्राम जो है ये भी आ गया था, इसलिए ये 100 नहीं आ पाया दोस्तों। 95 to 100 परमिशन लिमिट दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए दोस्तों 22.4 की जो सीव है इसमें हमारा रिज़ल्ट आया है 51.39, और ये थोड़ा सा फेल हो रहा है दोस्तों। तो हम अगर 3 टेस्ट करते हैं तो इक्वल होके बराबर आ जाता है। 11.2 की जो सीव है उसमें देखिए दोस्तों, इसमें अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, फिर से देख लेते हैं। 22.4 की जो है उसमें 63.31 आया है, और हमारा जो आया 6280 है, ये देखिए, तो ये भी सही आया है, परमिसिबल लिमिट में है ये। उसके बाद में जो 11.2 की सीव में है इसमें है 51.39, तो देखिए इसमें 40 to 60 दिया हुआ है, ये भी सही आ रहा है। इसके बाद में जो 4.75 की है इसमें आया है हमारा 37.29, और इसमें दिया है 25 से 40, ये भी आ रहा है। उसके बाद में 2.36 में है, 20.49 आया है इसमें रिज़ल्ट में, ये देखिए, और इसमें आया है 15 से 30, ये भी सही आ रहा है। 0.6 में 10.74, तो 8 से 22 दिया हुआ है, ये भी सही आ रहा है। 0.075 में दोस्तों 0.74 आ रहा है, तो इसमें देखिए 0 से 0.05 तक दिया है, तो ये थोड़ा सा डस्ट, ये माल गीला है तो डस्ट जो है वो छन नहीं पाई है, इसीलिए डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों ये था ग्रेडेशन टेस्ट सीव एनालिसिस WMM का।
तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।